उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन यूपी में चुनाव में बीजेपी विधायकों का गांव में विरोध बढ़ता चला जा रहा है। बंगाल के बाद अब यूपी में बीजेपी विधायकों का खदेड़ा होबे शुरू हो चुका है। चुनाव से ठीक पहले एक तरफ जहां बीजेपी में जबरदस्त भगदड़ मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता बीजेपी के विधायकों को खदेड़ रही है, क्षेत्र से भगा रही है, चेतावनी दे रही है कि इस बार विधायक बन के दिखा दो। ये हाल हुआ है मुजफ्फरनगर में बीजेपी के विधायक विक्रम सिंह सैनी का, जो अक्सर काफी सुर्खियों में रहते हैं, काफी विवादों में रहते हैं। ग्रामीणों ने बीजेपी विधायक को चुनौती दी डाली है कि वो इस बार विधायक बन कर दिखा दे। बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी एक गांव में बैठक के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें नाराज लोगों का सामना करना पड़ा। जैसे ही क्षेत्र के लोगों को बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी के आने की खबर लगी, वैसे ही ग्रामीण इकट्ठा हो गए और सभी के अंदर का गुस्सा विधायक को देखते ही फूट पड़ा और विधायक के ऊपर लोग टूट पड़े, उन्हें खदेड़ने लगे और उन्हें क्षेत्र से भगाने लगे। गांव के लोग सैनी का उनकी कार तक पीछा करते हैं और वो सैनी के गाड़ी में बैठने तक चिल्लाते हैं, उनके नाम के बाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ग्रामीणों को बीजेपी विधायक के खिलाफ नारे लगाते हुए साफ सुना जा सकता है। कई लोगों द्वारा नाराजगी को कृषि कानून से जोड़ा गया, जिन्हें सरकार ने साल भर के किसान विरोध के बाद निरस्त कर दिया। बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी इन सारे विरोधों को देखते हुए हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, लेकिन गांव वाले उनसे इलाका छोड़ने के लिए कह रहे हैं, क्षेत्र से सीधा भाग जाने को कह रहे हैं। बीजेपी विधायक को खदेड़े जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। इस वीडियो को आप भी एक बार देखिए। तो चुनाव के पहले भाजपा विधायकों के हो रहे विरोध ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा के रख दी है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 चरणों में मतदान होना है, लेकिन उससे पहले गांव-गांव में भाजपा के विधायकों का पुरजोर विरोध शुरू हो चुका है। कई गांव में इसी तरह की घटनाएं हो चुकी है भाजपा के नेताओं और उनके विधायकों के साथ। कुछ गाँव में बीजेपी विधायकों, सांसदों और उनके मंत्रियों के आने पर गाँव वालों ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है कि बीजेपी के लोग यहां ना आए। लोगों में भाजपा और उनके विधायकों के खिलाफ जो गुस्सा है वो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। दिन पे दिन वो गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता चला जा रहा है और जो भी भाजपा के नेता क्षेत्र में आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, उन्हें पकड़ पकड़ कर सीधा जनता के द्वारा बेइज्जत कर दिया जा रहा है। बीजेपी के विधायकों का हो रहा विरोध सिर्फ जनता तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में योगी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी को एक बार फिर से टिकट दिए जाने के विरोध में भी बीजेपी के करीब 500 लोगों ने, बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर मतदान होना है, लेकिन मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से भाजपा ने विक्रम सिंह सैनी को उम्मीदवार बनाया और भाजपा के इस उम्मीदवार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा भरा हुआ है। इस उम्मीदवार को क्षेत्र की जनता, वहां के लोग देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं, तभी आज नाराज जनता ने
अपने ही विधायक को इस तरीके से खदेड़ कर सीधा 9-2-11 होने को कह दिया और इस बार हारने की चेतावनी भी दे डाली है कि तुम इस बार विधायक बन के दिखाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा से अधिक नाराज बताई जा रही है। यही वजह है कि उस क्षेत्र से लगातार भाजपा नेता खदेड़े जा रहे हैं। उन्हें पैर तक रखने की इजाजत नहीं मिल रही है, जो कि भाजपा के लिए चुनाव से पहले बड़ी मुसीबत बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द VPN TV।